साहब खाना ड्रेस भी फ्री है, ये मुख्यमंत्री फटा करके काम करा लेते। आपका नाम क्या होता है? त्रम्बकेश्वर चिंदोला सर। चिंदोला जी सर। बच्चे कितने आपके? मेरे दो बच्चे हैं सर। दोनों स्कूल जाते हैं? हाँ, एक तो आठवीं में बच्ची है और एक नाइन्थ क्लास में बच्चा है। पहले फीस लगती थी कितनी? 50,000 लगते सर फागी में। 4,000? बिल्कुल सर। हाँ, SNPC स्कूल में पढ़ते दोनों बच्चे, वहाँ पे 50,000 फीस थी सर। फ्री है? अब महात्मा गांधी में सर जो इंग्लिश मीडियम सुविधा मिल रही है। हाँ। तो फिर वहाँ से बच्चों को निकाल लिया और यहाँ फागी वाली स्कूल में भर्ती करवा दी। तो वहाँ की फीस है? वहाँ तो सब कुछ सर, किताबें और खाना सब फ्री है। फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो बच्चे कितने बच्चे होंगे स्कूल में? सर फुल है स्कूल, पूरी पूरी स्कूल, बिल्कुल एक सीट खाली नहीं। तो गांव के लोग शौक मतलब बता रहे कि मैं सर फागी में, चकवाड़ा में, माधुराजपुरा में, जहाँ जहाँ भी स्कूल खुली है ना, पूरी सीटें क्लोज है, कहीं एक सीट खाली नहीं। गांव वालों से आगे भी इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, हिंदी। बिल्कुल सर, आपने ऐसा जोरदार काम किया, ये सारे लोगों का भला हो गया। अच्छा, और सबकी जेबें कटना बंद हो गई। हो गया सर? सर प्राइवेट स्कूलों में जेबें कटती है। अभी मैं खुद ही सर 50,000 दे रहा था। तो क्या था? एक बच्चे का, एक साल का, एक साल का एक बच्चे का 50,000 रूपए स्कूल फीस और बस फीस दोनों मिला के 50,000 था। फिर हाँ, अब फ्री हो गया। अब फ्री हो गया और बिल्कुल गांव के बीचों बीच स्कूल खुलवाई है साहब ने, तो वहाँ पे जाने का बस का खर्चा भी खत्म हो गया हमारे। जो स्कूल मेन सेंटर में थी ना सर, उसमें खुलवाई। 19 स्कूल खुल दी, अंग्रेजी स्कूल 19 खुल गए अभी तक। 19 खुल गई अब क्षेत्र में सब खाना और ड्रेस फ्री है। हर गांव में, छोटे हर गांव में खुलवा दी साहब ने। और हर एमएलए बड़ा होशियार है साहब, आपकी बड़ा मेहरबानी है। सब खाना ड्रेस भी फ्री है, ये मुख्यमंत्री फटा करके काम करा लेते हैं। बहुत बढ़िया काम किया है साहब, हमारी कृपा हो गई है। मान लो सारे राजस्थान पे आपकी है। चलो भैया, हिंदी पढ़ा हो जरूरी है। बिल्कुल पढ़ रहे हैं साहब बच्चे, और गरीबों में बच्चों का भी नंबर आ रहा है। वरना चलो मैं तो वहाँ भी दे रहा था 50,000। अच्छा, तो मैं तो यहाँ भी दे सकता था, लेकिन हर बच्चे का नंबर आया। गरीब के बच्चा भी पढ़ रहा है आज इंग्लिश मीडियम, उसका है मेन फायदा। तो हमारा तो हुआ ही हुआ, गरीबों का भी कल्याण हो गया। हिंदी बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान रखो, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ हिंदी के साथ में। ठीक, बहुत अच्छा लगा।